वही जनपद रुद्रप्रयाग में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतगणना प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। केदारनाथ विधानसभा में 13 राउंड चली मतगणना प्रक्रिया के बाद भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूदी को 30,536 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 20,164। वही रुद्रप्रयाग विधानसभा में 14 राउंड चली मतगणना प्रक्रिया के बाद भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को 34,147 जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 17,801 मत प्राप्त हुए। जैसे अभी टोटल हमारे जो रुद्रप्रयाग के हैं 55,483 टोटल हमारे काउंट हो गए हैं और हमारे केदारनाथ के कुल 53,370 हो गए हैं। दोनों हमारे रुद्रप्रयाग में टोटल 14 राउंड में चली मतगणना और केदारनाथ में 13 राउंड्स में। रुद्रप्रयाग में अभी दो जैसे हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 टेबल्स लगनी थी, जिसमें एक टेबल जो है वो वीवीपैट के जो स्लिप्स है उनके काउंट करने के लिए थी। इसमें हमने काउंटिंग असिस्टेंट्स हो गए हमारे 28, हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर्स हो गए 30, साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 30। इस तरह से हमने किया था रेंडमाइजेशन, तीन स्टेप की रेंडमाइजेशन हुई थी। रेंडमाइजेशन के मैं इस संबंध में हमारे जितने कार्मिक हैं, चाहे वो मतदान के कार्मिक हों या मतगणना के कार्मिक हों, हमारे हमारे काउंटिंग एजेंट्स हों जो किसी भी राजनीतिक दल से जो नामित किए गए थे, साथ ही साथ में हमारे जितने मीडिया बंधु हैं, साथ ही में हमारे जितने स्वच्छक हैं, हमारे जो इन लोग के लिए व्यवस्था करने के लिए जो भी टीम लगी थी, चाहे वो परिवहन की हो, हमारे पुलिस की हो, हमारे खान पान की टीम हो, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।